नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। पिछले दिनों हमने आनंद हॉस्पिटल के मालिक हरिओम आनंद द्वारा लिए गए कर्जे व उस कर्जे को न लौटाने के बहानों पर बात की थी। आज फिर से मुद्दा वही है, लेकिन उसके आगे की कड़ी जोड़ते हुए और सच्चाई को आपके सामने रखते हुए बता दूं कि 400 करोड़ रुपए की देनदारी में अखंड तक डूबे हरिओम आनंद परिवार की परेशानी अब बढ़ने के संकेत हैं। फर्स्ट बाइट द्वारा परिवार की पोल पट्टी खोलने के बाद शिकायतों का सिलसिला तेज हो गया है। इन शिकायतों में इतने आरोप लगाए गए हैं कि इतनी मोटी रकम ठगे जाने के बावजूद और शिकायतों का अंबार होने के बाद भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत तमाम आला अफसर इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। इन शिकायतों में आनंद हॉस्पिटल के मालिक वे उसके परिजनों द्वारा बैंक, वित्तीय संस्थान, दवा विक्रेताओं, चिकित्सकों व आसपास के जिलों के प्रतिष्ठित लोगों से करीब 400 करोड़ रुपए हड़पने के मामलों की सीबीआई अथवा उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी पिछले कुछ समय तक हरिओम आनंद के बारे में यही कहा जा रहा था कि पिछले 20 साल से वह बराबर समय पर ब्याज का भुगतान करते आए हैं, लिहाजा उनकी नियत में खोट नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में जो भी मुकदमे पुलिस में उनके परिजनों द्वारा लिखा जा रहे हैं, उसने इस धारणा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हालात ये है कि जो भी व्यक्ति अपनी मोटी धनराशि वापसी के लिए दबाव बना रहा है, उसके खिलाफ ही पुलिस में मुकदमे दर्ज करा दिए जा रहे हैं। इन मुकदमों में कहा जा रहा है कि घर आकर डराया धमकाया और ब्लैंक चेक पर आरोपी द्वारा हस्ताक्षर करा लिए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हरपाल सैनी के भाई समय सिंह सैनी के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो ब्लैंक चेक उन्हें गारंटी के रूप में उनकी धनराशि के अगेंस्ट दिए गए थे, उन्हीं को यह कहते हुए संदिग्ध बना दिया गया कि वह जबरन लिए गए हैं। इसके अलावा दवा बनाने वालों पर हरिओम आनंद की बेटियों द्वारा छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज करा दिया जा रहा है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो अपने पैसे की आस में हरिओम आनंद परिवार पर दबाव बना रहे थे। अब मुकदमे दर्ज होने की आशंका में वह दबाव तो दूर, मुंह भी खोलने की स्थिति में नहीं है। हरिओम आनंद के रसूख वह पैसे का ही असर है कि आनंद परिवार जिस तरह चाह रहा है उस तरह की रिपोर्ट पुलिस द्वारा लिखी जा रही है, जबकि जो लोग अपना सब कुछ लुटा चुके हैं उनकी शिकायतों को रद्दी की टोकरी में यह कहते हुए डाला जा रहा है कि पहले जांच होगी, फिर उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई। अब ताजा तरीन शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है। इसमें कहा गया है कि एम्बिक आयुर्कैम से हरिओम आनंद ने अप्रैल 2018 को 6.5 करोड़ रुपए ब्याज पर लिए थे, जिनमें से 5 करोड़ रुपए 6 माह बाद लौटाने थे, जबकि 1.5 करोड़ की एवज में आनंद हॉस्पिटल स्टोर में चौथाई हिस्सेदारी मार्च 2019 में ट्रांसफर करनी थी। आरोप लगाया गया है कि हरिओम ने इस दवा कंपनी समेत अनेक लोगों के करोड़ों रुपए हड़पने की नीयत से आनंद मेडिकल स्टोर को आनंद फार्मेसी में तब्दील कर लिया और एक अन्य को 3 करोड़ रुपए देकर फार्मेसी में हिस्सेदारी बना दी। ये लोग टापते रह गए। गंभीर बात यह है कि कंपनी को हरिओम आनंद ने 5 करोड़ रुपए के 2 चेक दिए थे, लेकिन जब ये चेक बैंक में पेश किए गए तो आनंद ने स्टॉप पेमेंट का निर्देश बैंक को दे दिया, जिस पर चेक वापस हो गए। ऐसा चेक बाउंस होने की स्थिति में मिलने वाली सजा से बचने के लिए हरिओम आनंद द्वारा किया गया। ऐसा ये एक अकेला मामला नहीं है। जिन लोगों के पास हरिओम आनंद द्वारा दिए गए चेक हैं, वे सब अब कागजे दिखाई दे रहे हैं। ये सभी लोग अब भारी तनाव और मानसिक यातना में हैं। शिकायतों में कहा गया है कि हरिओम द्वारा 2 बार आत्महत्या करने का नाटक अखबारों में छपवाया गया। उसके पीछे केवल यही मंशा थी कि लेनदार उस पर दबाव न बना सके। आरोप लगाया गया कि 3 मई को आत्महत्या के प्रयास के नाटक का गौरतलब पहलू यह है कि इस बार बेहद विश्वास पात्र शमीम अहमद को अभियुक्त बनाकर इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जबकि हॉस्पिटल के सीसीटीवी इस बात के गवाह हैं कि शमीम को हरिओम ने अपनी बेटी मानसी की लेनदार से सुरक्षा के वास्ते लगाया गया था। इन शिकायतों में मुख्यमंत्री से इस संपूर्ण मामले की सीबीआई अथवा उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। बता दें कि अभी करीब 4 दिन पहले ही फर्स्ट बाइट ने लोगों को आनंद हॉस्पिटल के कर्ज में डूबने व ताजा तरीन हालात से अवगत कराया था। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इन शिकायतों व तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए संपूर्ण प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस आदेश के बाद लेनदारों को कुछ न्याय की उम्मीद जागी है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे ऐसी ही बड़ी खबरों को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।